अभी हम यहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे हरियाणा के कौन सा गांव है आपका? बदाना गांव से आए हुए किसान भाई से मुलाकात कर रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। किसान आंदोलन में वो आए हैं, वो उनकी चर्चा को हम सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम संदीप है और मैं जींद जिले में बदाना गांव से आया हुआ हूँ यहाँ पे, और 27 तारीख से हम आए हुए हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम तब तक यहीं हैं। हमारे पास 6 महीने का राशन है और 3 साल का राशन हम खेतों में बो के आए हुए हैं। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हम अपना पूरे पुख्ता इंतजाम करके आए हैं और जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी हम यहीं हैं और अपनी मांगे पूरी करवा के यहाँ से जाएंगे। पिछले 25-26 दिनों में 5 बार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी की आपके साथ में वार्ता हो चुकी है किसानों के साथ में, और 5 बार की वार्ता के बाद में वो बता रहे हैं कि हम अभी तक किसानों से ये चीज़ समझ नहीं पाए हैं कि उनकी समस्या क्या है। तो 5 बार क्या वार्ता हुई क्योंकि वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए किसानों की, कि क्या समस्या है उन किसानों की? देखिए जी, वो जो हमारे कृषि मंत्री हैं या जो ये बीजेपी सरकार है, ये मतलब इनको ये नहीं पता कि किस मंत्रालय की मीटिंग कहाँ पे होती है। ये जो किसानों की मीटिंग कर रहे हैं ये विज्ञान भवन में कर रहे हैं, ये वैज्ञानिकों की मीटिंग कर रहे हैं वो कृषि भवन में कर रहे हैं। ये एक नंबर की अनपढ़ सरकार जिसे कहते हैं वो हमारे सामने है। इन्हें ये नहीं पता कि किन लोगों से कहाँ पे बात की जाती है। दूसरी बात, अब इन्होंने सबने रट लगा रखी है, ये कहते हैं कि हम एमएसपी पे खरीदेंगे। अरे भाई साहब, आज किसने मना किया है? जो केंद्र सरकार है वो 23 फसलों का रेट तय करती है, 23 फसलों का एमएसपी पे रेट तय होता है, लेकिन आज तक उसमें से 50% भी फसल एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती। बहुत सारी ऐसी फसल है जो एमएसपी से नीचे बेची जाती हैं, और हम हरियाणा वाले और पंजाब वाले हम एमएसपी से बेचते आ रहे हैं तो हमारी किसानी जिंदा है। हमें आज ठीक है, अपने संग होके हमारे काम चल रहे हैं, लेकिन अगर एक बात सोचो, जैसे यूपी बिहार में एमएसपी नहीं है, वहाँ पे एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती, वो लोग यहाँ पे आगे दिल्ली में आके वो यहाँ पे अपना दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं। तो यही हाल ये हरियाणा और पंजाब का चाहते हैं कि हरियाणा वाले और पंजाब वाले इनकी एमएसपी बंद कर दो, इनको कर्जदार बना दो, इनकी जमीनें तुम लोग कब्जे में कर लो और इनको भी अपने ही देश में इनको प्रवासी बनाओ, और ये भी बाहर जाके अपने बाहर जाके ये दिहाड़ी करें, मजदूरी करें, क्योंकि ये पूरा कब्जा हमारी जमीनों पे कब्जे करने के लिए ये कानून आए हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये कानून गलत हैं और ये इनमें ये बदलाव करने की कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ इन्होंने पहले क्यों लागू किए थे? भाई साहब, इन्होंने पहले लागू किए हैं क्योंकि इनकी है ना वो मानसिकता है, वो मानसिकता बहुत बुरी है, ये किसानों की जमीनें हड़पना चाहते हैं, इसके लिए इन्होंने कानून लागू किए थे। अगर उन कानूनों में कमी नहीं थी ना तो उनमें सुधार की बात क्यों कर रहे हैं ये? अगर सुधार की बात कर रहे हैं, अगर हमारी बात सच्ची है तो फिर ये कानून भी झूठे हैं, ये कानून वापस होने चाहिए। तो मतलब आप कुल मिला के ये ठान के आए हैं कि ये जब तक ये कानून वापस नहीं होते तब तक यहाँ से हटना नहीं है? हम बिल्कुल नहीं हटेंगे भाई, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें पता है अगर ये कानून लागू हो गए तो हमारी जमीनें इनके पास चली जाएंगी और हमारे ही देश में हम प्रवासी मजदूर नहीं बनना चाहते। हम अपने घरों को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाके मजदूरी नहीं करना चाहते। हम हमारी जमीनों पर इनके नौकर बनना नहीं चाहते। हम ठान के आए हैं, हमारे पास आज खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ये हमारी आखिरी लड़ाई है और इसे हम जीत कर ही जाएंगे और बिल्कुल जीत के जाएंगे। जीत हमारी हो चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। हम यहाँ से जीत के जाएंगे और ये दिल्ली जितना ये घमंड दिखा रही है ये सारा चकनाचूर कर दिया है और बिल्कुल इसको पैरों तले रौंद के इनके घमंड को मोदी है ये अंबानी अडानी का कार्टून है, जैसे वो चलाते ये कठपुतली है वैसे नाचता है। और मैं मोदी को कहना चाहूंगा, भाई साहब तू क्यों हो रहा है, तू छोड़ दे गद्दी, अंबानी अडानी ने बिठा दे इस सीट पर, उन्हें गिल्ला कर लेंगे। मामा मोशामी तू क्यों बीच मारा बिना बात का, पिल्ला है उनका। लेकिन सरकार तो कह रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम किसानों के साथ वार्ता करने के लिए तैयार हैं, किसान अपनी समस्या लेके पॉइंट टू पॉइंट हमारे साथ वार्ता करे, लेकिन अभी तक उनको न तो सरकार को समझ में आ रहा है, न केंद्रीय कृषि मंत्री को समझ में आ रहा है, न मोदी जी को समझ में आ रहा है। वो यहाँ किसानों के बीच आके वार्ता नहीं कर रहे हैं तो उसका आपको कुछ मतलब महसूस हो रहा है? भाई साहब है ना, सीधी बात है, आप
मेरे सामने मोदी को ले आओ, मैं मोदी से ज्यादा बड़ा हुआ हूँ। ये ताऊ चाचा जो ये खड़े हैं, ये सब मोदी से ज्यादा पड़े हुए हैं। मोदी ने क्या किया है? साले ने चाय बेची है, नहीं भीख मांग के खाया है, यहाँ पे आए और यहाँ पे आगे बताए कानूनों का मतलब। उसे पता खुद को नहीं है ये कानून का मतलब है। उसने क्या किया इनके लिए? ये इसने कानून बना दिया कि मंडी खत्म करने के लिए, मंडी के बाहर खरीद होगी, मंडी के बाद ये खरीद करने की कह रहा है। मंडी में टैक्स है 6%, बार इसने कानून बनाया 0% का, के बाद इसकी खसम है, वो इसके रिश्तेदार हैं वो उनके लिए 0% टैक्स लगा रहा है। इसको करना तो ये चाहिए मंडी से बार 12% टैक्स लगेगा, ये 6% की जगह 0% टैक्स लगा रहा है उनके बार। सरकार कह रही है और मोदी जी खुद कह रहे हैं बार बार हाथ जोड़ के कि किसान जो दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, हाँ? और जो देश में आंदोलन कर रहे हैं और अलग अलग सड़कों पे, उनको विरोधी विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस हो या फिर दूसरी पार्टियां जो है लोकल पार्टियां हैं, वो भड़का रही है किसानों को, और ये किसान तो जो बैठे हैं ये नकली है। इस बारे में आपका क्या कहना चाहिए भाई साहब? कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों की मां एक है, एक में से ही निकले हुए हैं। आज के दिन 306 एमपी हैं इनके, 306 एमपी में से 166 एमपी वो हैं जो पिछली बार कांग्रेस के एमपी थे। ये कांग्रेस और बीजेपी एक है, हमें ना किसी कांग्रेस से मतलब, ना किसी बीजेपी से मतलब, हमें अपनी जमीनों से मतलब है, हमें अपने दामों से मतलब है, हमें अपनी लड़ाई से मतलब है, हमें ना किसी कांग्रेस पे भरोसा, ना किसी बीजेपी पे भरोसा, हम सिर्फ अपने हकों के लिए आए हैं और कोई पार्टी वाला हमारे बीच नहीं है। जो आएगा उसका स्वागत है, लेकिन हम माइक किसी को नहीं दे रहे, यहाँ पे सब कुछ किसानों का ही है। सरकार इस समय सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाने की कोशिश कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट और सरकार और किसानों के बीच में मंत्र न होके अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन कानूनों को रद्द न करवा के अगर कुछ समय के लिए सस्पेंड करवाती है, स्थगित करवा देती है, तो फिर किसान क्या स्टैंड लेंगे? नहीं, हमारा स्टैंड सीधा है भाई साहब। कोर्ट क्या है? कोर्ट तो सरकार के हाथ में है। आज का भारत का मीडिया है, जो कोर्ट है, जो सीबीआई है, जो भी ये खुफिया एजेंसी है, ये सब मुट्ठी में है सरकार की, में जो सरकार चाहती है वो करवाती है। वो तो चाह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं वो किसानों हम सस्पेंड कर देंगे। अरे हमने सस्पेंड क्यों करवाना है भाई? आज जो हमारा किसान इकट्ठा हुआ है, 2 महीने बाद नहीं आएगा ये? आज हार गए तो हम हार गए, हमारी आखिरी लड़ाई है, और ये जीत कर जाएंगे हम, रद्द करवा के बिल्कुल फटवा के, और नया MSP का खरीद का कानून बनवा के हम लोग तब वापिस जाएंगे। तब तक लोग हम यही है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, 6 महीने का राशन हम साथ लेके आए हैं, 3 साल का राशन हम खेतों में बो के आए हैं। अभी अप्रैल में हमारी फसलें कटती हैं, अप्रैल में हमारी गेहूं, हमारा राशन आ जाएगा, 3 साल का आ जाएगा। है क्या इनके औकात को ऐसे का 3 साल तक हमारे सामना कर लेंगे? अगर अगर ऐसे ही चलता रहा और ऐसे ही बैठे रहे और सरकार भी आपसे वार्ता नहीं करती है और आप भी सरकार के पास जाने की कोशिश नहीं करते, तो फिर क्या होगा आगे, क्या चलना? अभी आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहूंगा, अब जो 23 तारीख है, जो 3 दिन के बाद जो हमारा एक नया प्लान है कि हर गांव के, आप हरियाणा पंजाब में देखोगे, हर गांव के पास 100 से 150 आवारा गायें, बैल और जिन्हें लोग खट्टर कहते हैं, ये चीजें गांव में 150-200 हैं, सब ट्रंकों में भर भर के दिल्ली लाएंगे भाई साहब। दिल्ली में 10 लाख आवारा पशु छोड़ देंगे, और घर के आगे एक बटेऊ खड़ा होगा या खट्टर खड़ा हो, और चाहिए जिसको गऊ माता कहते हैं वो गऊ माता खड़ी होगी, और घर के आगे एक पशु खड़ा करेंगे। और ये जो दिल्ली वाले हैं ना, ये जो ये सरकार चला रहे हैं, ये तो अपने ऑफिस छोड़ के, अपने भवन छोड़ के सब भागेंगे यहाँ से। यहाँ पे रोडों पे किसान राज करेगा और अंदर ही हमारा पशु राज करेंगे। कल मैंने देखा और आज भी देखा है कि यहाँ दिल्ली लोकल के जो शहरी लोग हैं, जो लोकल के रहने वाले, वो आपके पास आ रहे हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में सहंस है, वो मीडिया की बातों को वो झूठा समझते हैं, इसलिए आपसे चर्चा करते हैं। क्या आपकी बातों से वो संतुष्ट हो पा रहे, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल भाई साहब, है ना, देखो मैं हरियाणा से हूँ, आप है ना सरदार, जो होता है सरदार का मतलब को समझिए आप। जो ये पगड़ी बंधी है ना, कोई पगड़ी बांधने से सरदार नहीं होता, ता उसके सर पे सरदार ही होती है। वो बड़े भाई ने, पंजाब ने जिम्मा लिया है, ये सरदारी उनकी है, उनके उन वो लोग जगे हैं, पहले वो लोग आए हैं, साथ में हरियाणा खड़ा हुआ है, फिर अपनी यूपी खड़ी हुई है, अपना बिहार खड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश से लोग हैं, मतलब तकरीबन भारत के लोग हैं यहाँ पे, और उन सरदारों के, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने सबको जगाया है। और वो आए हैं आगे, लेकिन भाई साहब मैं पूरी जनता को बताना चाहूंगा, ये लड़ाई है ना, जो ये लड़ाई है, ये 80% लोगों की है। दो वर्ग हैं, एक है कमेरे, एक है लुटेरे।
ये कमेरा वर्ग है, जो हम किसान हैं, जो हम मजदूर हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, जो ये मार्केट वाले हैं, बाजार वाले हैं, रेडी वाले हैं, जो भी लोग हैं ना, ये हम सबकी लड़ाई है भाई साहब। एक बात देखो आप, आज के दिन 2 रुपए किलो आलू खरीद के ये हमें 60 रुपए किलो आलू दे रहे हैं, 3 रुपए किलो प्याज खरीद के ये 100 रुपए किलो प्याज दे रहे हैं। आप ये सोचो, अगर कल को जमाखोरी का ये छूट दे रखी है मोदी ने कानूनों में, कितनी जमाखोरी करो, अगर एक बंदे ने सारी जमाखोरी कर ली, वो हमसे खरीदेगा 1 रुपए किलो, वो बेचेगा 500 रुपए किलो। आप ये बात समझो, ये लड़ाई हम सब की है भाई साहब, और सबको, सब खड़े हैं इसमें, जो दिल्ली के लोकल आदमी हैं, जो दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे घरों से हैं। देखो ये लड़ाई है पूंजीवाद की और कमेरे वर्ग की, ये लड़ाई है कमेरे वर्ग की और लुटेरे वर्ग की, जिनका काम है ना, जो हमें सदा से लुटते आए हैं, वो हमारे दुश्मन है। आज दुश्मन का आमना सामना हो गया है, हमारा दुश्मन हमारे सामने है, और हमें आज तक कोई हरा नहीं सका। हमने अनेकों बार दिल्ली जीती है, अनेकों बार, और आज भी हम दिल्ली को जीत के जाएंगे, इन सरकारों को, इनके घमंड को अपने पैरों तले रगड़ के जाएंगे। आप कह रहे हो कि आपने अनेकों बार 17 बार दिल्ली जीती है, आप फिर दिल्ली जीतने आए हो, आपके जो नेता है, किसान नेता जो खड़े हैं, जो आपके साथ साथ में आपको आगे लेके चल रहे हैं, आपके अगुवा हैं, अगर कल को मान लो कि 2 महीने 4 महीने ये आंदोलन चलता है इसी तरह, सरकार बात नहीं करती आपसे कोई वार्तालाप, और आपके नेता को मजबूर कर देती है, और वो अगर आपके नेता बिक जाते, तो फिर आप किसानों का क्या स्टैंड रहेगा भाई साहब? मैं थोड़ी सी बता दूं, यहाँ पे देखो, पंजाब में किसान का मतलब है जट, ठीक है, हरियाणा में किसान का मतलब है जाट, मैं भी किसान हूँ, मैं भी जाट हूँ, जाट परिवार से हूँ मैं। देख हमारे घर में तो एक घर में 3 आदमी है ना भाई साहब, 3 ही चौधरी हैं, यहाँ पे जितने आए हुए हैं ना, ये जितने किसान आए हुए हैं यहाँ, तो सारे प्रधान है, सारे चौधरी हैं भाई साहब, कहाँ कौन से उस दुनिया में हो आप? आप जाके किसी का इंटरव्यू ले, मेरा ले, और का ले, सारे प्रधान है इतने, और सारे वापिस कराए के जाने वाले लोग हैं, यहाँ पे कोई झुकने वाला, कोई बिकने वाला लोग नहीं है। ये बात यहाँ से निकाल देना दिमाग से कि यहाँ पे नेता कोई है ही नहीं, यहाँ पे तो सभी नेता है भाई साहब, यहाँ कोई नहीं है। एक और भाई है पंजाब नहीं है, हिंदी, इनके साथ चर्चा करेंगे। ये भाई किसान आंदोलन में खड़े हैं, कहाँ से आप? मैं मानसा पंजाब से ही। क्या नाम है आपका? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह जी है मानसा पंजाब से, और ये अब आप किसान आंदोलन में कब से हैं यहाँ पे? मैं पहले 4 दिन लगा कर गया था, आज से 7-8 दिन पहले, अभी 4 दिन अभी हो गए हमें आते हुए, अभी 3-4 दिन और रहेंगे, अभी 3-4 दिन और रहेंगे। आप क्या लग रहा है आपको, क्या कर सरकार से आपकी वार्ता हो रही है, सरकार क्या कर रही है, और सरकार की तरफ से क्या जवाब आ रहा है आपको, आपको क्या लग रहा है कि आगे क्या, किस तरह से आपका? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अपना पता है कि कितने दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए, क्योंकि लगातार सरकार को ऐसा लग रहा था कि जे जो काफले आ रहे हैं जे हौली हौली वापस चले जाएंगे, लेकिन आप 3-4 दिन से देखो लगातार पंजाब से, हरियाणा से 200-300 ट्राली आ रही है, तो जे काफला जो बढ़ता जा रहा है, सारे हमारे किसानों भाइयों ने भी बोला है कि जे मोदी सरकार समझती है कि जे सभी लोग वापस चले जाएंगे, 1 महीना, क्योंकि 3 महीनों से जो पूरा संघर्ष है जो पंजाब में चल रहा था, और 22 दिन जहां हो गए हैं दिल्ली में, तो हौली हौली जो काफला, सरकार को हम बताना चाहते हैं कि जो काफला है जो मोदी सरकार समझती है कि 1.5 महीने में 2 महीने में जो खत्म हो जाएगा, लेकिन जे वो गलत सोचते हैं, क्योंकि जे काफला है जो पंजाब के लोग है, हरियाणा के लोग है, जे बहुत ही दृढ़ इरादे से आए हैं और दिल्ली को जीत कर जाएंगे, और हौली हौली जो काफला एक दिन देखना अंबाला और जहां रोहतक तक चला जाएगा, जे हमारा पक्का इरादा है और हम जीत कर जाएंगे। तो ये यहाँ पे हम मिले पंजाब और हरियाणा के किसानों से, इनकी इनके मन की बात को हमने सुना, और प्रधानमंत्री जी खुद तो वो अपनी मन की बात तो सुनते रहते हैं, लेकिन कभी किसानों के मन की बात नहीं सुन पाते हैं वो, और मैं इस माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक ये संदेश देना चाहूँगा कि किसान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक का यहाँ पहुँच चुका है, और धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। कि अभी बीच में एक हरियाणा के भाई ने कहा कि हम अगर सरकार नहीं मानती है और हमें ऐसे ही मतलब यहाँ पे बिठाए रखेगी रोडों पे, तो हम हमारा जो पशु है वो भी लाएंगे, और आने वाले समय में हो सकता है कि ये मुल्क नहर का पानी भी बंद कर दे, हो सकता है कि ये दिल्ली में खाने पीने की सामान आने की जो व्यवस्था जो चल रही है ये भी बंद कर दे, तो जितना जल्दी हो सके दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को परेशानी न हो, और सरकार इन कानूनों को रद्द करे जितना जल्दी हो सके।